नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म राजस्थान क्लासेस पर। मैं आदर्श कुमार आप सभी का इस सेशन में बहुत बहुत वेलकम करता हूं। आइए दोस्तों, आज के इस सेशन में हम बात करेंगे पीटीटी परीक्षा 2024 के लिए इंडिया जीके के महत्वपूर्ण टॉपिक्स पर। दोस्तों आप सभी के बहुत सारे मुझे कमेंट्स मिले, मुझे मैसेज मिले कि सर इंडिया जीके में हम क्या पढ़े हैं, समय भी हमारे लिए कम है और अगर पढ़े भी तो क्या इतना सारा मतलब अथाह भंडार है, अब पढ़े तो क्या पढ़े। देखिए दोस्तों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ इसमें जो महत्वपूर्ण जो मुझे लगा, जो मैंने एनालिसिस करा पिछले 3-4 प्रश्न पत्रों को, तो मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि ये जो टॉपिक है ये आपके लिए बड़े महत्वपूर्ण है और यहां से प्रश्न 101% पूछे जाएंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। वैसे ये टॉपिक तो आपके लिए महत्वपूर्ण है ये, इसके अलावा भी कुछ होंगे बट ये वाले जो हम देखेंगे ये टॉपिक महत्वपूर्ण है। अब देखो मैं आपको बता दूं, ये कोई आप जो कोई बुक पढ़ते हैं ना, वो उस बुक में बहुत ज्यादा गहराई में नहीं पढ़ना है, डीपली नहीं पढ़ना है। बस जैसे मैंने आपके लिए लिखा संविधान सभा, अब संविधान सभा जो हुई थी कब हुई थी, उसके अध्यक्ष कौन रहे थे, उसमें सदस्य कौन थे और इस प्रकार से संपन्न कब हुई थी, ये इस प्रकार के प्रश्न बनेंगे। तो 4-5 लाइनें इसकी रहेगी, ज्यादा नहीं रहेगी, बस वही याद रखना है आपको। ज्यादा ऐसा नहीं कि संविधान पूरा संविधान पढ़ना शुरू कर दो, वो नहीं करना है आपको। गवर्नर जनरल और जनरल दोस्तों, ये जो अपने भारत में जो अंग्रेज रहे थे, भारत वे अंग्रेज है ना, भारत देखो भारत के भारतीय लिख देता हूं मैं, भारतीय वे अंग्रेज जो रहे, गवर्नर जनरल जनरल जो भी रहे थे, उनके बारे में आपको पढ़ना है कि कब कौन रहा था, कौन से सत्र में रहा था, ये बातें आपको ध्यान रखनी है। जैन और बौद्ध धर्म को लेकर दोस्तों प्रश्न पूछ लिए जाते हैं हर एग्जाम, मैंने देखा पिछले 2-3 4 पेपर में, सभी में एक बार जैन धर्म एक बार बौद्ध धर्म, तो ये दोनों को आपको अच्छे से कवर कर लेना है। एक चीज और यहां से कर लेना, वैदिक काल दोस्तों, ठीक है ये साथ में कर लेना, वैदिक काल बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है। आप देखो सबसे पहले तो बता दूं, आपके पास कोई ना कोई बुक होगी, बुक अगर आपके पास में कोई है, मान लो लक्ष्य की है या दक्ष की है या आरबीडी की है, कोई भी बुक है ना, तो उसमें ये सारी चीजें दे रखी होगी, तो उसको आप देखेंगे ना तो क्वेश्चन आंसर नहीं, थ्योरी में एक एक पेज ही देखने को मिलेगा सभी में, वो आप आराम से कर सकते हैं। भारतीय स्वतंत्रता सेनानी आपको पढ़ना है, किसने कौन सी घटनाओं को जो है अंजाम दिया था, वो स्वतंत्रता सेना ने आपको पढ़ना है। और समाचार पत्र भी आपको पढ़ना है कि भाई कौन सा समाचार पत्र जो है कहाँ पे हुआ, किस सत्र में, किस सन में हुआ और किसने इसकी स्थापना करी समाचार पत्र की या फिर संस्था पर रही, ठीक है इस प्रकार के प्रश्न आपके लिए बन जाते हैं। प्रमुख सीमाएं जैसे कि भारत और पाक की सीमा का नाम क्या है, कितने किलोमीटर लगती है ना, जैसे चीन और भारत की सीमा का नाम क्या है, ठीक है तो इस प्रकार के आपको प्रश्न देखने को मिल जाएंगे, ये भी महत्वपूर्ण है। और कितने जो भी देशों की सीमाएं लगती है जिसका नाम है वही तो याद रखना है, मैं पूरा टॉपिक इसे नहीं कह सकता, आप मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट कह सकते हैं, ठीक है ठीक है। पुस्तकें और लेखक, गत परीक्षा में 4 प्रश्न पूछे गए थे पुस्तक और लेखक, जैसे मैंने आपसे प्रश्न किया कि नील दर्पण किसने लिखा है ना, तो इस प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। स्वतंत्रता सेनानियों के की जो पुस्तकें हैं, जो साहित्य है, उनके बारे में अधिक प्रश्न पूछे जाते हैं, तो पुस्तकें और लेखक आप कर लेंगे। सभ्यताएं दोस्तों, अधिकतर प्रश्न जो है ना वो पूछा जाता है हड़प्पा सभ्यता को लेकर, ठीक है हड़प्पा सभ्यता के जो भी स्थल है, और मतलब लगभग मैंने देखे हड़प्पा सभ्यता के ही प्रश्न और सिंधु सभ्यता हड़प्पा सभ्यता के ही बने हैं। अब देखिए पर्वतीय श्रृंखलाएं आपको ध्यान से देखनी है, हिमालय के प्रश्न हर एग्जाम में पूछे जाते हैं लगभग हिमालय पर्वत श्रृंखला के, तो वहां से प्रश्न बनेगा, तो हिमालय को पढ़ लेना, सभ्यताएं पढ़ लेना और विश्व स्तरीय जो संगठन होते हैं दोस्तों, विश्व स्तरीय संगठन जैसे कोई सम्मेलन भी होते हैं, सम्मेलन कह रहा अलग बन जाता है, जैसे ब्रिक्स सम्मेलन हुआ था, ब्रिक्स संगठन है एक, उसी का सम्मेलन हुआ था, तो ये जो है ना रिलेट करके आपको ध्यान रखना है। वैसे ज्यादा नहीं है, 8 से 10 है, इससे ज्यादा नहीं है, ठीक है। खेलों के संघ और संस्थाएं, खेलों के जो संघ बने हुए हैं, जो संस्थाएं बनी हुई है, उसके अध्यक्ष कौन है, इस प्रकार के प्रश्न बन जाते हैं। भारत में प्रथम, भारत में ऊंचा बड़ा छोटा न्यून, इस प्रकार के प्रश्न भी आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। और सबसे महत्वपूर्ण है आपके लिए ये व्यक्तियों के उपनाम दोस्तों, अगर आप पिछले पेपर देखेंगे तो हर पेपर में दो तीन प्रश्न बने हुए व्यक्तियों के उपनामों के, तो आप जरूर से जरूर ध्यान देंगे उपनामों को लेकर। राष्ट्रीय दिवस, राष्ट्रीय दिवस का भी एक प्रश्न 100% पूछा जाता है, ठीक है। जैसे कि मैं आपसे बात कर लूं कि भैया गणित दिवस कब मनाया जाता है, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है ना, तो इस प्रकार के प्रश्न आपके पूछे जाते हैं। पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है ऐसे। अब देखिए 1857 की क्रांति मैंने ऐड करी, हालांकि मैंने प्रश्न बहुत कम देखे हैं, बट फिर भी मुझे जहां तक लगा कि 1857 की क्रांति आपके लिए महत्वपूर्ण है, भले राजस्थान के लिहाज से देखें या इंडिया जीके के लिहाज से, तो आप 1857 की क्रांति अच्छे से कर लेंगे। स्वतंत्रता संग्राम की प्रमुख जो घटनाएं हुई थी उस समय, स्वतंत्रता के समय,
देखो स्वतंत्रता संग्राम हम बात करें 1857 से लेकर 1947 तक की घटनाएं जो भी हुई है ना, वो आपको अच्छे से याद रखनी है। याद करेंगे तो वहां यहाँ से आपको दो तीन प्रश्न देखने को मिल जाते हैं कई बार, लेकिन एक तो फिक्स होगा आप अगर याद कर लेंगे तो दोस्तों, ठीक है। जैसे मैं आपसे बात करूं, गांधी इरविन समझौता, ये भी एक प्रकार की घटना है ना। जैसे जो भी आंदोलन हुए हैं, जो घटनाएं हुई है, जो जैसे कहीं पर अटैक हुए हैं, तो इस प्रकार की सारी घटनाएं आपको ध्यानपूर्वक देखनी है, ठीक है। अब अपन बात कर लेते हैं थोड़ी सी इंडिया जीके के साथ में करंट अफेयर्स की, और करंट अफेयर्स में भी बड़ा असमंजस की स्थिति में जो है ये हम बात करें तो मुद्दा है। कैसे कि पढ़े तो क्या पढ़े, करंट अफेयर भी बहुत लंबा चौड़ा है, लेकिन आपके लिए सिर्फ 4-5 टॉपिक लेकर आ रहा हूँ। खेलों से संबंधित एक प्रश्न 100% पूछा जाता है, और खेलों में भी एक संघ और उसके अध्यक्ष, खेलों के जो भी संघ है जैसे ओलंपिक संघ है, तो ओलंपिक संघ के अध्यक्ष कौन है ना, जो पिछले अभी जो लेटेस्ट खेल हुए उन लेटेस्ट खेल में कौन जीता कौन हारा, कितने क्या अंकों से कितने क्या, वो चीजें जो आपसे पूछी जाती है, ठीक है। प्रमुख कल्याणकारी योजनाएं जो है, जो देश में जो भी सरकार के द्वारा प्रमुख कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही है, उस योजनाओं के बारे में पूछा जा सकता है। तो मैं आपको लिखवा दूं यहाँ पे 10 प्रश्न तो आपको 100% देखने को मिलेंगे परसेंट, और 7-8 प्रश्न यहाँ से देखने को मिल जाएंगे जो मैंने टॉपिक आपको बताया, विश्व स्तरीय सम्मेलन, ठीक है, और नए हवाई अड्डे और पर्यटन और सड़कें। एक चीज और याद रखना, जो युद्ध अभ्यास, उसमें जो लेटेस्ट युद्धाभ्यास हुए ना, युद्धाभ्यास जो हुए है ना, उसके बारे में आप अच्छे से ध्यान दे देना, लेटेस्ट जो हुए हैं उनको अच्छे से देख लेना। बाकी विश्व स्तरीय सम्मेलन है और नए हवाई अड्डे पर्यटन है, जो नई ग्रीन फील्ड सड़कें वगैरह है, हाईवे वगैरह है, इनके बारे में, और जो नया अभी लेटेस्ट जो नवीनतम बना है और जो मतलब सबसे हटके हैं, सबसे यूनिक है, उसके बारे में भी आप अच्छे से ध्यान दे देना, ठीक है। तो इस प्रकार से ये जो है आपके सामने रखा है आज का इंडिया जीके का कंप्लीट पेपर। और दोस्तों इंडिया जीके में एक चीज मैं बताना भूल गया आपको, खनिजों को लेकर एक टॉपिक जो है खनिज लिख दीजिएगा कि कौन सा खनिज कहाँ पे सर्वाधिक होता है। तो ये ज्यादा टॉपिक नहीं, एक एक पेज का लफड़ा है, 18 पेज है, 18 पेज, एक एक पेज भी नहीं है। जैसे अब खेलों के संघ और संस्थाएं कहाँ होगा एक पेज बताओ, भारत में प्रथम आधा पेज भी नहीं होगा, उपनाम आधा पेज भी नहीं होगा। तो 18 टॉपिक मैंने दिए है ना, इसमें से आपके पेज की अगर बात करें तो 8 से 10 पेज ही बनेंगे अच्छे से। तो आप इनको अच्छे से कवर कर लेंगे ना, तो मुझे लगता है कि इनफ है, और ये आपके एग्जाम में जरूर देखने को मिल ही जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से आज का सेशन यही समाप्त करता हूँ। बाकी दोस्तों देखो, मैं कुछ सलाह जो है हर बार जैसे देता आया हूँ, इस बार भी यही दूंगा कि भैया बात यह है, अगर आप अपने तरीके से पढ़ेंगे, अपने तरीके से पढ़ना चाहते हैं तो क्या करेंगे, और सेल्फ स्टडी को महत्व देंगे। दोस्तों आपके पास जो बुक है, उस बुक में जो भी टॉपिक है, जो आपको टॉपिक महत्वपूर्ण बताएगा, उन महत्वपूर्ण टॉपिक्स पर अच्छे से ध्यान दीजिएगा, ठीक है। समय खराब ना करें, जैसे अनावश्यक समय, मैं आपसे बात करूं तो ये सोशल साइट्स है, अनावश्यक समय, ये कौन सा है, सोशल साइट्स वगैरह है, यहाँ पे बिल्कुल जाया ना करें। वैसे आप पढ़ते हैं, एक नोटिफिकेशन आता है, उस समय आप सीधा इनडायरेक्ट हो जाते हो वहाँ पे, या हो जाते हैं इनडायरेक्ट, बिल्कुल सही बात है। तो उसमें क्या है कि आपका समय 1-2 घंटे निकल जाता है, कोई पता ही नहीं चलता। तो अभी लास्ट जो समय है आपका पीटीटी एग्जाम को क्रैक करने का, इसके आगे जो है बहुत समस्या आएगी, बहुत सारा बदलाव देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो अभी जो है आप अपने तरीके से पढ़े, ऑनलाइन जो आजकल बहुत सारी यूट्यूब पे क्लासेज वगैरह आ रही है ना, उसके लफड़ों में ना पढ़े, मेरे ख्याल से ठीक रहेगा, क्योंकि आपके भविष्य के लिए मैं बात कर रहा हूँ। बाकी यूं है कि अगर आप अपने तरीके से पढ़ेंगे तो फिर आपका ही भला होगा, और आप अगर बाकी दूसरों के तरीके से पढ़ेंगे तो फिर आपको नंबर ज्यादा नहीं आएंगे, नंबर कम आएंगे तो जाहिर सी बात है कॉलेज मिलेगी नहीं, है ना। तो ऐसे में मैंने बहुत सारे उदाहरण देखे हैं, मुझे बहुत सारे मैसेज मेरे पास पड़े हैं, जो मुझे ऐसे मिले हैं मैसेज कि मैंने अगर ध्यान से ऐसे करा होता तो ऐसे हो जाता, समय निकल गया, है ना। तो ऐसे ही अपना भी समय कीमती है दोस्तों, तो इस प्रकार से आप अपना कीमती जो समय है वो 100% अपनी मेहनत में दीजिएगा, और सही दिशा में मतलब कि राइट डायरेक्शन में दीजिए। ऑल द बेस्ट दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। भूल हो गई मेरी, आपको इन सभी के कोशिश करूंगा कि नोट्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है। अब बात यह है कि आप देखते हैं या नहीं देखते, वो आपके ऊपर, मैं इन सभी टॉपिक्स के नोट्स आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, आप बताइए और क्या चाहिए। सभी के कोशिश करूंगा, आज से ही लगता हूं मैं, और आपको सभी के नोट्स प्रोवाइड करवा देंगे। कहां पे? ग्रुप में। ग्रुप कहां पे? अपना
इस नंबर पर आप मैसेज करेंगे तो आपको अपने ग्रुप में ऐड कर लेंगे, और अगर ग्रुप में ऐड करेंगे तो आपको वहां पे लिंक मिल जाएगा। लेकिन ध्यान रखना दोस्तों, इस नंबर पर अगर आप मैसेज करते हैं ना तो नाम और जिला लिखकर ही मैसेज करें, ताकि मुझे पता चले कि आपको कौन से ग्रुप में ऐड करना है, और एग्जाम का नाम भी लिख लेना साथ में। ठीक है, ऑल द बेस्ट दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।